हेलो फ्रेंड, देख सकते हो यहाँ पर अनुपात और समानुपात वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये एसएससी सीजीएल टायर 1 2011 में पूछा गया प्रश्न है। इसे बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो रॉन्ग कर चुके हैं, तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर दिया गया, यदि ए बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर ई बटा एफ इक्वल्स टू 3 दिया गया, तो आपको समझना होगा कि ए सी ई बराबर 3 है। ए सी ई बराबर 3, ऊपर वाला ऊपर, नीचे कुछ नहीं दिया तो आप खुद से 1 लगा सकते हो यहाँ पर ऐसे, और बी डी एफ बराबर 1 दिया गया। तो आपको ये इक्वेशन दिया गया, आप इसे एकदम इजिली 10 सेकंड में सॉल्व करना। ओके, तो जहां जहां ए सी ई दिया गया है, ए सी ई दिया गया वहां वहां 3 डालेंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर करते जाएंगे उसका, और बी डी एफ दिया गया वहां पर हम लोग को, बी डी एफ दिया गया वहां पर हम लोग कितना राइट करना, 1 1, मतलब अगर यहाँ 1 रखते हैं 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही, यहाँ डालेंगे 1 तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1, मतलब 1 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसे, तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बता दिया ए सी और ई बराबर 3 दिया है, ए सी ई बराबर 3 और बी डी एफ बराबर 1 दिया है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, राइट करेंगे 2 है तो 2, ए में कितना हो जाएगा 3, और 3 का 3 हम लोग को दिया गया है और इसका स्क्वायर है तो इंटू है, तो इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है लिख देते हैं, 3 दिया गया है और इसका स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9, प्लस है तो प्लस, देखिए ये वाला प्लस है तो प्लस 3, एंड फिर ये सी में फिर से 3 दिया गया था तो 3 का स्क्वायर, फिर से 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर 9, फिर से प्लस, एंड फिर 4 है तो 4, और सी ई में, ई में फिर से 3 लिखेंगे और इसका स्क्वायर तो 3 को इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 9। ओके, अब बटा तो बटा, एंड 2 बी 1, 2 है तो 2, और बी में कितना राइट करना था, 1 1 यहाँ कर देंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और 2 कर ही देते हैं, प्लस 3, डी में भी 1 का स्क्वायर, प्लस 4, एफ में भी 1 का स्क्वायर, तो देखते हैं आप 1 का स्क्वायर 1 करेंगे तो 1 ही आएगा और 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा, 4 ही आएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं, 9 दुना 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 18 प्लस 27 प्लस 36 36। ओके, अभी देख लेते हैं नीचे में कितना होगा, ये देखिए यहाँ पर 1 आएगा, अगर इसका स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा, और 2 से 1 को गुना करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, 2 ही आएगा ना, और यहाँ पर भी 3 को 1 करेंगे तो 3 ही आएगा, और यहाँ पर भी 4 को 1 करेंगे तो 4 ही आएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 और 3 5, 5 और 4 9, तो यहाँ 9 लिख दोगे आप, इसे बस जोड़ देना है, 714, 21 का 1 हाथ बचा 2, आप अच्छे से जोड़ लोगे खुद से, 2 और 3 5 6 7 8, 81 हो गया बाय 9, 9 से 81 कट जाएगा, 9 9 81, तो इसका आंसर आ गया 9। इतना इजी क्वेश्चन था और इसे लगभग कुछ परसेंट बच्चे सॉल्व करके नहीं आए, क्योंकि इसे पता ही नहीं चल रहा था कि बी डी एफ बराबर 1 होगा या क्या होगा, इसलिए वो लोग रॉन्ग कर लिए। तो आपको जरूर अच्छा लग रहा होगा, जो इसे लाइक करते जाइए। ओके, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड में जाते हैं, तो इसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर बहुत ही जी, ये भी 2002 में कोलकाता पुलिस में पूछा गया है। ओके, चलिए देखते हैं इसे, बहुत ही जी, ये 5:8 प्रोपोर्शनल अनुपात है, ये समानुपात है, और 15 अनुपात, और यहाँ क्या होगा ये पूछा है, तो चलिए ये अनुपात है तो बटा में लिख सकते हैं 5, और अनुपात है तो 8, 5:8, फिर ये समानुपात है तो इसे हम लोग बराबर लिखते हैं, और 15 है तो 15, एंड उसके बाद यहाँ रेश कुछ नहीं है तो इसे हम लोग नीचे एक्स लिख देते हैं, कुछ भी नहीं है तो एक्स। ओके, और आप जानते होंगे कि बराबर जब भी रहता है तो सामने और सामने कट जाता है, तो 5 का टेबल में 15 कट सकता है 3 बार में, और जब भी बराबर रहता है तो तिरछा तिरछा गुना होता है, तो 8 तिया 24, 8 तिया 24, इसे से गुना कर दिया तो 24 आ गया, तो ऊपर में 24 है बटा एक्स। ओके, अगर बराबर में उधर एक्स चला गया तो एक्स ये कट जाएगा और इस नीचे वाला भागा वाला उधर चला गया, तो एक्स बराबर 24, ये आपका
आंसर हो गया। अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर भी कीजिए अगर आपके पास कोई फ्रेंड है पढ़ने वाले और इसी तरह के वीडियो चाहते हैं आप, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।